जगह नहीं मिलता है। माता जी आटा डाल रहे हैं तो कैसे देखिए, एक के ऊपर एक चढ़ जा रहे हैं। इतना मछली आप लोग कल से 1 किलो 1.5 किलोमीटर आ गया यहाँ, और देख सकते हैं हाँ स्वर्ग आपको दिखाई देगा। इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत है, देख सकते हैं। और यह देखिए नज़ारा, स्वर्ग आपको मिल जाएगा। और देखो, और यह डायरेक्ट खाई है, और यह चले जाएंगे कई किलोमीटर नीचे। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और इधर भी देखिए कितना अच्छा यह दृश्य दिखाई दे रहा है। गाड़ी आ रही जा रही है, और मैं चला आगे की तरफ पानी ले लूँ, नमकीन खरीदा हूँ पानी पीने के लिए, आगे कुछ ना कुछ खा लूँगा। यहाँ पे रुका हुआ था, पकौड़ी बनाए थे भैया, तो मैं पकौड़ी नहीं खाया इसलिए, क्योंकि हेल्थ का ध्यान देना पड़ता है। तो आगे की तरफ मिलता हूँ आपसे। देखते हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से पास ही में लेक है 1 किलोमीटर, और नीचे आप जाना पड़ेगा। और यह है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से शुरुआत हो जाता है। पहले था मैं कठुआ में, और उधमपुर में पहुँच चुका हूँ। आगे नीचे ही लेक है पूरा, तो लेक देख के आगे जाऊँगा। लेक में पहुँच चुका हूँ, और आके सबसे पहले खाना खा रहा हूँ, और खाने में राजमा चावल है और प्याज है मिर्च, और इस साइड बैग रख दिया हूँ। और यह हाईवे जाता है, और यह जय माँ संतोषी का एक मंदिर है, इसी के जस्ट बगल में एक होटल है छोटा सा, इसी होटल में आके खाना खा रहा हूँ। और खा के फिर लेक घूमूंगा, उसके बाद निकलूंगा यहाँ से। तो यह है खाना मेरा, और यह है अंकल जी का छोटा सा होटल। खा के उसके बाद लेक ले चल रहा हूँ आप लोगों को घुमाने के लिए। इस समय मानसर झील के पास में आ गया हूँ, और देख सकते हैं यह है मानसर झील, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और उस साइड से गेट है, अभी जाऊंगा तो दिखा दूंगा। और यह है देखिए कितना खूबसूरत पार्क बना है, और बहुत ही खूबसूरत। आगे जाएंगे तो यहाँ पे बोट भी मिलेगा, कछुआ है, और हेल्प में कोई भी कचरा इसमें डालना नहीं है, वेयर इज द फूड, कछुआ वछुआ। और यहाँ पे देखिए 5 रुपये कोई वेटिंग मशीन लगाया, और यहाँ पे आएंगे तो आटा मिलेगा यहाँ पे खिलाने के लिए, इतनी ज़्यादा मछलियाँ हैं। और देखिए आटा बेच रहे हैं। और क्या नाम है भैया, क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह। ये मिले थे अभी, मैं खाना खा रहा था वहाँ पे, और बात उठती है। और इस साइड देखिए कितनी मछलियाँ हैं, इतनी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। यह जब आटा डाला जाता है तो इतना ज़्यादा आती हैं सब। कितना साल हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मेरे को जन्म 15 साल। 15 साल कहाँ घर है? घर इधर ही है, इधर ही। वो क्या है वहाँ पे लकड़ी का क्या? ये हमारे मानसर के यहाँ। और देखिए आए हैं यहाँ पे, ले ले रहा हूँ अभी। और देखिए यहाँ पे जब आता है कोई तो मछलियों के लिए आटा खरीद के डालता हो। ये माता जी आटा डाल रहे हैं तो कैसे देखिए, एक के ऊपर एक चढ़ जा रहे हैं। इतना मछली आप लोग नहीं देखे होंगे, अब बहुत मोटी मोटी है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। यहाँ पे अलाव नहीं कोई बनाने के लिए खाने के लिए। ये देखिए और देखिए कितना बड़ा है झील है, बहुत ज़्यादा। ये प्लास्टिक में टिका हुआ, गहरा भी होगा बहुत ज़्यादा। एक ही झील है इस साइड, और आगे जाएंगे तो फिर मिलता रहेगा, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मिलता जाएगा। और लकड़ी का बना हुआ है, वो पुराना लग रहा है। और आगे जाएंगे तो मानसर एक मंदिर है वहाँ, उसी नाम से यह जगह का नाम पड़ा है। और यह देखिए हिला रहे हैं सब पूरा, जा रहे कोई कुछ देगा
तो ऐसा है यहाँ का। ये 100 साल से कम पुराना नहीं है। ये कितना साल का? नहीं, तो इसकी उम्र तो बहुत है। हाँ, मैंने 100 साल से ऊपर नहीं होती इसका। 300 साल से 300 साल बैठ के ये उठाने पड़ेगा। नहीं दो आदमी से तो देख भाई देख इसको जगह नहीं मिल रहा है। और थोड़ा इधर देखिए, उसको जगह नहीं मिल पा रहा है। मैं मानसर में हूँ और सुरजीत गोस्वामी भैया के यहाँ खाना अभी मंगाए हैं और खा रहे हैं। और इनका एक छोटा सा शॉप और वो बेचते हैं। देखिए खाने में रोटी था, भिंडी का सब्जी, मेरा फेवरेट सब्जी है भिंडी का, और खा रहे हैं। एक भैया उधर खा रहे हैं, वो अपना बिजनेस। अब देखिए दुकान भी संभालना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ क्योंकि दुकान भी देखिए आज ग्राहक बैठे हुए हैं। और देखिए ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होता। देखिए पार्क में मानसर झील के बगल में मिल गए हैं और मैं 10 बजे से बैठा के रखे हैं, ऊजा ऊजा खिलाए हैं हर चीज़, और कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, भारत में इंसानियत की कमी नहीं है और हर जगह अच्छे लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।